पीछे की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। आप देख सकते हो पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत व्यू है। लेकिन यहाँ पर हमने एक नई चीज़ देखने को मिली, जो ये रोड है ये पानी के अंदर जा रहा है। यहाँ का जो रोड था या घर थे, गांव का गांव पूरा का पूरा डूब गया। अभी जो हम लोग कैंपेनिंग करेंगे, खुद का खाना बनाएंगे, ये उसमें काम में आएगा। ये देखिए बहुत ही हल्का हल्का नुकीला टाइप का है, मगर ये जलाने के काम में आएगा। इसको लेके हम लोग खाना बनाएंगे, देसी खाना, देसी विकास यात्री के चैनल पे। राम राम जी। आज अपनी यात्रा का दूसरा दिन है और आज है 7 नवंबर 2023 और सुबह के 8 बजे का टाइम हुआ है और हमने अपनी सारी पैकिंग कर लिया है, मतलब कि टेंट उठाने की। अभी बाइक पे कुछ भी सामान नहीं लगाया है, तो एक बार आपको दिखाते हैं लोकेशन। वैसे तो मैंने कल रात को भी दिखाया था, पर कल रात को आपको इतना आइडिया लगा होगा नहीं कि कहाँ पे रुके हुए कहाँ पे नहीं, तो भी दिखाते हैं। ये ऐसी कुछ शेड टाइप से है भाई, यहाँ पे वहाँ पे बाइक लगा दी थी और वहाँ पे जो दिख रही ना लोकेशन, यहाँ पे दूध गर्म किया था और ये सारा सामान है, अभी उठा लिया सारा सामान। यहाँ पे दो टेंट लग गए थे, एक टेंट वो है एक टेंट यो है। मेरा भी 2% है, 3% लेके आना था लेकिन गलती से 2% लेके आ गया, तो ये दो टेंट लगा दिए थे। अब ये सारा सामान पैक करने लग रहे हैं, मेरा सारा सामान पैक हो गया है, ये और ये है, तो सारे सामान को बाइक पे पैक करते हैं और फिर मिलते हैं आपको किसी ढाबे पे, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश होंगे, फ़ोन थोड़ा सा कर लेंगे और अपना कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हल्का फुल्का खा लेंगे चाय के साथ, तो मिलते हैं डायरेक्ट किसी ढाबे पे। तो भाई अपनी आज की राइड स्टार्ट कर रहे हैं, कल चले थे 317 किलोमीटर, इसको जीरो कर लेते हैं क्योंकि ट्रिप टू में पता चलता रहेगा। और अपनी राइड स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जय बोले की। अभी यहाँ से 187 किलोमीटर रहता है जानकी चट्टी, जहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है, तो उसमें लगभग लगभग 5-6 घंटे दिखा रहा गूगल महाराज। तो अभी 8:30 का टाइम हुआ, 8:23 किलोमीटर चले हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं चंबा। यहाँ से यमुनोत्री 191 किलोमीटर है। लो जी सुबह के 10 बजे का टाइम हुआ है, तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे सामान रखा था लेकिन यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। बाइक अपनी वहाँ पे नीचे खड़ी है, मेन रोड है और उस मेन रोड पे ये एक ढाबा है रावत रेस्टोरेंट के नाम से, तो यहाँ पे खाते हैं अभी पराठे। देखो ये भाई तो खाने लग गए आलू के पराठे। पूजा कराई थी अपनी, कैसे लग रहे भाई? बढ़िया मिर्चा मिर्चा तो तूने डलवाया था ज़्यादा ज़्यादा, कैसे है? तूने स्पेशल बोला था कि मिर्च ज़्यादा डालना। लो जी सुबह से 13 किलोमीटर चले हैं और टाइम की बात करें तो 11 बज चुके हैं, मतलब सक्सेसफुली हमने आज का अपना जो आधा दिन है ना वो खराब कर दिया है, जिसमें हमने लगभग लगभग 7-7:30 बजे उठे हैं, उसके बाद सामान पैक करने लगे हैं, बाइक पे लोड करने लगे हैं, 8:30 का टाइम हो गया, उसके बाद मुश्किल से 4-5 किलोमीटर चले हैं, फिर वहाँ पे एक लोकेशन दिख गई, एक एक कप चाय पी, फ्रेश हुए, 1 घंटे के आसपास हमने अच्छा टाइम लगा दिया वहाँ पे। यहाँ पे हमने बढ़िया टाइम वेस्ट कर दिया, पराठे खाने में इतना टाइम नहीं लगा लेकिन वीडियो अपलोड करने में, एडिटिंग करने में, थंबनेल लगाने में, फेसबुक पे अपलोड करने में, रील्स बनाने में, इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाने में, मतलब हमें 11 बजा दिए हम। और यहाँ से लगभग लगभग 170 किलोमीटर और रहता है। ये सामने वाली सांसद है टीरी गढ़वाल की, आगे जो बैठी है। इकट्ठा हो रखे थे स्वागत के लिए। देखो भाई कितना खूबसूरत व्यू है, ये टीरी गढ़वाल का व्यू देख सकते हो आप। बहुत देर से इसके साथ साथ चल रहे थे तो थोड़ा सोचा और बाइक रोक के कि एक बार आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और इस तरफ ये कोई गांव है, देखो बहुत ही खूबसूरत व्यू भाई, बहुत खूबसूरत। और वे हमारी सामने बाइकें खड़ी हैं, अभी 110 किलोमीटर के आसपास और रहता है, तो देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। अभी लग रहा कि अंधेरा हो जाएगा, लगभग लगभग 6-7 कम से कम बच जाएंगे। रोड अच्छा है, बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब आ रहा था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, बाकी रोड बहुत अच्छा है अभी तक। और लगभग 60-65 किलोमीटर सुबह से चले हैं, 110 किलोमीटर के आसपास और रहता है, क्योंकि सुबह जब देखा तब 180 किलोमीटर के आसपास था।
तो लगभग लगभग शाम हो जाएगी। बीच में और कोई पॉइंट आएगा तो आपको दिखाएंगे। वैसे मेन पॉइंट अभी आएगा नहीं, एक आएगा द्रासू बैंड आएगा, जिससे एक तरफ आप यमुनोत्री जा सकते हो तो दूसरी तरफ आप गंगोत्री जा सकते हो। द्रासू बैंड से हम आगे डायरेक्ट जानकी चट्टी तक जाएंगे, और शायद द्रासू बैंड से थोड़ा बहुत आगे निकलने के बाद ही एक लास्ट पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। बीच में एक दो पॉइंट होंगे जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे दे के आप ले सकते हो, लेकिन हम वहीं पे फुल करवा लेंगे, तो आपको पेट्रोल पंप ही दिखाएंगे जो आखिरी पेट्रोल पंप होगा। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। यहाँ पे भाई काम चल रहा है रोड का, देखो थोड़ी सी पीछे ऑफ रोड था, थोड़ा सा लगभग आधा किलोमीटर का, और यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। बाकी पूरा रोड एक नंबर, और अभी आगे भी ऐसा लग रहा है कि एक नंबर मिलेगा। भाई बहुत देर से यहाँ पे बैठे थे, अभी हैं टिहरी गढ़वाल, यहाँ पर बैठकर पीछे की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। आप देख सकते हो पीछे कितना खूबसूरत नज़ारे, कितना खूबसूरत व्यू है, लेकिन यहाँ पर हमने एक नई चीज़ देखने को मिली। आप वहाँ पे पीछे रोड देख रहे हो ना, जो वहाँ से आ रहा और यहाँ पे पीछे जा रहा है, देखो यहाँ से देखो जो ये रोड है, ये पानी के अंदर जा रहा है। तो बताते हैं कि जब यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में डैम टिहरी डैम बनाना, उस टाइम पे यहाँ का जो रोड था या घर थे, गांव का गांव पूरा का पूरा डूब गया। इसलिए अब आप कहीं पे भी देखते हो तो आपको लिखा मिलेगा न्यू टिहरी गढ़वाल, तो जो पुराना है वो कह रहे हैं नीचे दब गया। और यहाँ पे पीछे देख सकते हो यार, बहुत सा खूबसूरत नज़ारे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उत्तराखंड घूमो, बहुत कुछ आपको नई नई चीज़ देखने को मिलेगी, नए नए व्यू, मतलब बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे। और अगर आप घूम नहीं पाओ तो हमारी वीडियो देखो, हम अपनी वीडियो के द्वारा आप सभी को ये चीज़ें दिखाएंगे। और ये लाइनें इस बाइक की थी, अभी भी बताई थी, अभी भी चेप दी है। तो वीडियो को देखो और ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारों का मजा लो। कोई भाई पूछते आप पानी कहाँ से भरते हो, तो पानी भैया पैसे भर सकते हो, जैसे अभी ये भाई भरने लग रहा है। आपको ना उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, मतलब पहाड़ी एरिया पे, हिल स्टेशन पे ऐसे पानी चलता हुआ मिल जाएगा, तो आप आराम से पानी भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी 119 किलोमीटर रहता है यहाँ से यमुनोत्री, और अभी जस्ट हमने आधा किलोमीटर पीछे छोड़ा है द्रासू बैंड, जहाँ से अगर हम लेफ्ट ले लेते तो हम गंगोत्री चले जाते उत्तरकाशी होते हुए, और अभी सीधा रास्ता जाएगा यमुनोत्री। तो 119 किलोमीटर है, लगभग सवा तीन घंटे लगेंगे, तीन ही घंटे मान के चलो। गंगोत्री 124, गंगनानी 69। भाई गलत आ गया, नहीं यार ये यमुनोत्री इसी तरफ था और गंगोत्री के लिए उसी तरफ था, फिर ये गंगोत्री के लिए इस रूट पे क्या लिखा हुआ है पता नहीं। लो भाई जिस चीज का डर था ना वही हो गया, बोर्ड पे तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल सीधा दिखाया हुआ है, और हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन तब से हम आगे आ रहे हैं ना, हर जगह बस एक ही चीज दिख रही है, उत्तरकाशी, गंगोत्री, उत्तरकाशी। ये जी द्रासू बैंड, यहाँ पे यमुनोत्री के लिए आपको राइट लेना है, और हरिद्वार से केस के लिए सीधा, और हम आए हैं पीछे गंगोत्री वाले रूट से। अभी यहाँ पे दिखाई यमुनोत्री 99 किलोमीटर, अभी सही रूट पे आ गए, तो 99 किलोमीटर में लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच में लगेंगे। बाकी रूट पे और व्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि रूट खराब हो गया तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और व्यू ज़्यादा अच्छा मिल गया तो फोटो वीडियो लेने लग जाएगी। ये दिक्कत रहती है यहाँ पे, देखो ये कभी भी नीचे आ जाते हैं। तो इन रूट पे ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है, आप अगर 3 दिन का प्लान लेके आ रहे हो, 4 दिन का लेके आ रहे हो, तो आपके पता नहीं चलेगा कब 2-3 दिन ज्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये होना कि हाँ कम से कम 10 दिन का टाइम हो तो 4 धाम पे आओ, नहीं तो दिक्कत रहेगी। ये सिंगले होते हैं, सिंगले नहीं होते, सिंगरा सिंगरा होते हैं, और अभी जो हम लोग कैंपेनिंग करेंगे, खुद का खाना बनाएंगे, ये उसमें काम में आएगा। ये देखिए बहुत ही हल्का हल्का नुकीला टाइप का है, मगर ये जलाने के काम में आएगा। इसको लेके हम लोग खाना बनाएंगे, देसी खाना, देसी विकास यात्री के चैनल पे।
देसी खाना खाएंगे। सुन रहे हो भाई, ये कल अपनी आग नहीं जली थी ना, तो इसलिए आज रास्ते से ही लकड़ी इकट्ठी करते हुए जा रहे हैं, जिससे खुद का खाना बनाया जा सके। भाई जितना भी आइटम है सारा इस भाई के बैग में डाल दिया है, अभी इस भाई को पीछे पीठ पे टांग के तब जाएंगे। अभी लगभग हमें 50-60 किलोमीटर और चलना है, तो यस भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ जर्नी भाई, बेस्ट ऑफ लक। लो भाई, 4:20 हुई है और अभी खाने के लिए रुक गए हैं। पीछे बाइक खड़ी है और यहाँ पे खाना बनने लग रहा है। ये खाना आ गया, थाली सिस्टम है। जगह का नाम है सिबुफा और यहाँ पे आए खाएं और गाना भी। जानकारी गलत दे रहे भाई, नाम अच्छे से नहीं बता रहे, इसीलिए नहीं बता रहे। और यहाँ पे खाना बन रहा है, ये दाल है, ये रोटी है। क्या नाम है जी जगह का? जगह का क्या नाम है? सिबुफा मरगांव। सिबुफा मरगांव, ये जगह का नाम भाई। वो गलत बता रहे थे, गलत जानकारी दे रहे थे। तो यहाँ से 77 किलोमीटर जान की चट्टी, लगभग लगभग उसमें 2.5 घंटे गूगल मारा तो बता रहे हैं, तो 3 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि व्यू के ऊपर डिपेंड करता है और रोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। अभी 6 बजे का टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 5:40 हुई है, 6 भी नहीं बजे हैं और अंधेरा हो गया भाई। और लगभग लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास और है यहाँ से जान की चट्टी। एक्यूरेट अभी बड़कोट बता दूंगा मैं, बड़कोट यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। 6:11 और बड़कोट यहाँ से 5 किलोमीटर और भाई यमुनोत्री 48 किलोमीटर। सफर अभी लंबा है, टाइम लगेगा। अरे यमुनोत्री तो उधर जाना, लेकिन पेट्रोल पंप तो नहीं मिला है? पेट्रोल पंप है लेकिन वापिस और जा नहीं सकती ना, रहा नहीं सकती ना, 3 डंडे हैं। सर यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पे हुआ? पेट्रोल पंप पांच किलोमीटर इस रोड पे नहीं था कोई भी। कितने रुपए का मिलता है यहाँ पे? हाँ वैसे अलग से देते, लेकिन कितने रुपए का, कितने रुपए का देते हैं? 110। बगल वाले जो घूम के है, ये क्या करें बताओ, कितना तुम्हारे में, कितना थारे में? तो बहुत गणा, मेरे में तो 3 डंडे है। यहाँ से यमुनोत्री जान की चट्टी नहीं है, नहीं रास्ते में कहीं नहीं है। पेट्रोल लेना था जी, क्या प्राइस है पेट्रोल? 110। 2 लीटर दे दो। रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला तो खुले में पेट्रोल पंप ले रहे हैं विकास भाई। इनकी टंकी में बस 2 ही डंडी बची थी, हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा पेट्रोल ले लें। लो जी 6:30 का टाइम हुआ है और अभी हम बड़कोट पहुंच चुके हैं और सुबह से 150 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर बता रहे हैं, जिसमें कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि थोड़ी दूर तक रोड अच्छा बना हुआ है, उसके बाद रोड ख़राब बता रहे हैं। अभी यहाँ पे पीछे पूछा था, एक्चुअली हुआ क्या, दूसरे रास्ते से आते हैं, अगर आप मसूरी से आते हो ना, तो यहाँ से बड़कोट से 5 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप है, लास्ट पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल डलवा सकते हो, 94 रुपये पूछे, मतलब 95 मान के चल सकते हो। और दूसरा इस तरफ जैसे ऋषिकेश या फिर आप गंगोत्री जाते हो, तो इस तरफ एक और नया पेट्रोल पंप खुला लेकिन बंद था, दूसरा उससे पीछे कहीं पे था लेकिन हमें देखने को नहीं मिला, अंधेरा हो गया था, पता नहीं चला, नहीं तो हम वहाँ पे पेट्रोल डलवाते। तो अपनी बाइक में 2 डंडे बचे हुए थे, अभी यहाँ पे पीछे ब्लैक में देते हैं, वैसे 95 रुपये हैं, यहाँ पे 110 रुपये दे रहे हैं, तो 15 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लेकिन मैंने 2 लीटर डलवा लिया, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर, 1 लीटर जाने का 1 लीटर आने का, उसके बाद देखते आते टाइम अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 लीटर और डलवा लेंगे, लेकिन यहाँ तक आने का काम हो जाएगा क्योंकि 2 डंडे मेरे पास थे। अभी प्लान कर रहे हैं, ये आगे 2 भाई हैं, तो देखते हैं थोड़ी दूर चलते हैं, अगर बीच में कहीं लोकेशन अच्छी मिल जाती है तो वहाँ पर रुक जाएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट 1.5 घंटे में जान की चट्टी पहुँच जाते हैं।
तो देखते हैं जैसा भी प्लान होगा आपको बताते हैं। अभी चलते हैं बाइक पे। ये गाड़ी इस तरफ थी, दूसरी सामने वाली गाड़ी वो थी। ना ये भाई पीछे कर रहा था ना वो पीछे कर रहा था। लास्ट में इसी भाई ने करनी पड़ी। लो जी फाइनली 8:30 हुई है और सुबह से 191 किलोमीटर 190 किलोमीटर चल के अभी हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। जी हाँ, जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये जानकी चट्टी है। यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है यमुनोत्री धाम के लिए, तो हम वो कल सुबह करेंगे। अभी ये अपनी बाइक है, एक ये है एक ये है, इनको यहाँ पे पार्क कर देंगे या वहाँ पे पार्क कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी कैंपिंग करेंगे। तो सामान निकाल दिया है, ये सारा सामान है। ये टेंट है यहाँ पे, एक टेंट इस पे ये रहा, और यहाँ पे हमें लोकेशन मिल गई है। कल सुबह आपको अच्छे से दिखाएंगे कौन सी लोकेशन है, यहाँ पे हम अपनी कैंपिंग करेंगे आज। और अभी ये भाई हाथ सेक रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे आग लगी हुई थी, लोकल भाई बैठे थे यहाँ पे। हाँ हाँ जी, ये नहीं भाई जी की जगह है, ये आपकी जगह है जी, है ना जी। आप लगो आराम से, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई दिक्कत। आपका नाम क्या जी? दिनेश चौहान। क्या नाम? दिनेश चौहान। दिनेश चौहान, आप लोग भाई जी को लगो कोई दिक्कत। धन्यवाद भाई जी। दुकान आपकी है? हाँ बिल्कुल, खाने के लिए मिल जाएगा खाए, ये बगल में मिलता बगल में। यार दोस्तों नीचे होटल होटल नीचे होटल खुला। ओके धन्यवाद भाई जी। सुबह आपकी वीडियो बना देंगे एक। तो ये यहाँ पे अभी भाई हाथ सेक रहे हैं, और ये यस भाई आ गए। यस भाई हाथ सेक रहे हैं। तो अभी खाने का क्या प्रोग्राम है आपका? हैं जी, हम तो कह रहे हैं बना लो इसको, खत्म करो ये जल जाए, ये जो लेकर आए हो ये हाँ होटल में है, आप आराम से कोई दिक्कत नहीं, सब ओके। ठीक है जी, हमने स्टिंगरे भी लाए इकट्ठे करके। तो भाई अभी कैंपिंग करेंगे, तब थोड़ी सी वीडियो दिखा देंगे, नहीं तो बाकी जो कैसी लोकेशन है क्या कुछ है वो आपको सुबह दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा दूध गर्म करने का भी प्लान है, तो दूध गर्म करते हैं और जो भी कुछ एक्टिविटी होगी थोड़ा बहुत बता देंगे, नहीं तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। कल आपको यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग दिखाएंगे जो कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना। तो देखते हैं क्या कुछ होगा, कितने बजे निकलेंगे, जो होगा कल बताएंगे। गुड नाइट।